दंताय वक्रतुण्डा गौरी तनयाय धीम गजेसानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमही ओम श्री नमः वेलकम मेरे स्वीट स्वीट इंटेलिजेंट बच्चों आज पढ़ना है लीवर राइट right? ये हो गया आपका डायफ्राम मस्कुलर बैंड व्हिच सेपरेट्स योर थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी राइट तो एब्डोमिनल कैविटी का राइट क्वारन टॉप राइट साइड में आपको मिलेगा एक बड़ा सा ग्लैंड एंड दिस इज नथिंग बट योर लीवर है ना? लीवर अगर उसको आप देखोगे जस्ट फील कराने के लिए मैं अभी एक ब्लैंकेट उठा रहा हूँ सो so जो दिस वन इज योर लीवर और ये लीवर देखो अराउंड 1.5 पॉइंट वेट होता हैवी रहता है और बीच में अगर कोई पार्टिसन या फिर कोई सल्कस या ग्रुप ऐसा बीच में आ जाता है तो ये क्या दो फूले फूले स्ट्रक्चर से बन जाते हैं सो सम प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर विच इज सेपरेटेड बाय सल्कस और ग्रुप और फिशर दिस आर कॉल्ड एज लोब इसी को हम लोग बोलते हैं लोब तो यहाँ पे बड़े बड़े दो लोब बन गए लीवर का ये हो गया बीच में आपका एक लेगामेंट फैलसी फॉर्म लेगामेंट फिर सेपरेट इट इन टू और राइट बिग लोब और राइट बिग लोब दिस वन एंड लेफ्ट लोब छोटा सा छोटा सा लेफ्ट लोब और बड़ा सा राइट लोब उसका बैक साइड जाओगे तो यहां पे और दो छोटे लोब्स मिलेंगे अंडर साइड विसरल साइड ये दोनों इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको बोलेंगे कॉर्डेट लोब और इसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेट लोब सो कितने लोब हो गए फोर लोब्स ऑफ द लीवर है ना राइट लेफ्ट देन कॉर्डेट एंड क्वाड्रेट लोब चार लोब मिल गए आपको फिर अगर इसको पूछा जाएगा कौन सा ग्लैंड है एक्सोक्राइन या फिर एंडोक्राइन ये दोनों ही है दैट इज वाई इट इज कॉल्ड हेटेरोक्राइन ग्लैंड इट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड येट इट इज एंडोक्राइन एक्सोक्राइन क्यों जब डक्ट वाले ग्लैंड रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड इसमें बाइल निकलता है बाइल डक्ट्स के थ्रू इसका सिक्रेशन आगे होता है तो इसको हम लोग देखने वाले हैं एंडोक्राइन में सब सेल्स आर मॉडिफाइड और दे आर एंटोक्राइन इन नेचर द सीक्रेट हार्मोन्स लाइक यू नो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर हैप्सिडन एंजियोटेंसिनोजेन ये आगे एस्क्रेटरी सिस्टम में डिटेल बढ़ने वाले हो थ्रोम्बोपोइटिन ऐसा बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं तो एंडोक्राइन है एक्सोक्राइन दोनों लोब के अंदर अगर देखोगे ये क्वाड्रेट लोब के पास में यहाँ पे एक मिलेगा आपको गर्ल ब्लैडर गर्ल ब्लैडर क्या होता है ब्लड ब्लैडर मतलब क्या एक बेलून की तरह स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे और उसके अंदर में बाइल स्टोर होता है ये बाइल बनता है लीवर के अंदर लेकिन यहाँ पे स्टोर होता है आगे आगे देखने वाले हैं अब चलते हैं लीवर के अंदर इस लीवर को का अगर काटेंगे हम लोग सोचो एक बड़ा सा कैक है बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हो इस बड़ा सा कैक डार्क ब्राउन कलर है रेडियस डार्क ब्राउन कलर है जैसे लीवर का रहता है ये कलर और उसको छोटे छोटे पीस में हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर में ऐसे छोटे छोटे पीस हैक्सागोनल पीस में काटा जाएगा केक का पीस तो इस हेक्सागोनल छोटे छोटे पीसेस को हम लोग क्या बोलेंगे लोबियल्स लोबियल इज वॉट लोब का छोटा भाई लोबियल मतलब ये लोब lo हो गया बड़ा सा और इसके अंदर में छोटे छोटे हेक्सागोनल पीसेस लिया हमने ऐसे कितने पीसेस मिलते हैं अराउंड वन लाख या फिर वन मिलियन के करीब लोबियल लोबियल्स मिलते हैं यहां पे एंड दिस लोबियल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर या फिर इसको बिल्डिंग ब्लॉक भी बोल सकते हैं हम लोग और इस लोबिल्स के अंदर में क्या क्या चीज़ें मिलते हैं इस लोबिल के चीज अंदर में देखोगे आप तो लोबिल्स के अंदर में क्या चीज़ मिलने वाले हैं बहुत सारे सेल्स मिलने वाले हैं सेंटर में एक बड़ा सा सेंट्रल वेन मिलने वाला है देखो ये मैंने मोती का माला की तरह ये सब दिखा रहा हूँ ये छोटे छोटेसाइट्स है लीवर का सेल को बोलते हैं हिपैटोसाइट्स और उनके बीच में ऐसे ब्लड वेसल्स रहते हैं स्पेसेस आर कॉल्ड स्पेसिस और ईच कॉर्नर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कॉर्नर में ऐसा तीन वेसल्स मिलते हैं एक है आपका ब्लड वेसल हेपैटिक आर्टरी दूसरा आपको मिलेगा हेपैटिक पोर्टल वेन और एक मिलेगा बाइल डक्ट तीनों को मिला के बोलते हैं पोर्टल ट्रायड और एक हिपैटिक्लोबल को यहाँ पे उठा के हम लोग बड़ा करके जूम करके देखने वाले हैं सिर्फ फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर ये तो राउंड है लेकिन इसको फील करो हेक्सागोनल इसके छे कॉर्नर मिलेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स राइट अब यहाँ पे देखो उसके अंदर में क्या कंपोजिशन है कॉर्नर में तीन तीन जो ट्यूब लाइक डक्ट मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है एक है ग्रीन कलर का देखो बाइल डक्ट दूसरा क्या है हेपैटिक पोर्टल वेन एंड तीसरा हिपैटिक आर्टरी ये तीनों को मिला के ये तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं पोर्टल ट्रायड ट्रायड मतलब क्या तीन पोर्टल ट्रायड अब इसका थोड़ा कनेक्टिविटी ले लेता हूं देखो अंदर में अब हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो ब्लू कलर में मैंने दिखाया हुआ है ये पॉलीहाइड्रल सेल्स हैं छोटे छोटे सेल्स हैं लगे हुए हैं और एक कॉर्ड की तरह लगा हुआ है कॉलम की तरह प्लेट की तरह दिख रहा है है ना अगर इस पीस को हम लोग पीस पीस करके ऐसे काटेंगे तो इट इज लुकिंग लाइक ए स्पोक्स ऑफ ए व्हील ये जो देखा हमने ये 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 सब क्या है हेपैटिक कॉर्ड तो हेपैटिक सेल्स अरेंज्ड हुआ है एक प्लेट या कॉलम या फिर रेडियल आप बोल सकते हो रेडियल स्पोक लाइक ऑफ ए व्हील अब व्हील को क्या हो गया यहाँ पे आपके लोवियल और यहाँ पे हेपैटिक कॉर्ड क्या है कॉलम और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द हिपैटो साइट ये टोटल स्ट्रक्चर है ये 70 टू 80 परसेंट कवर करता है हिपैटिक सेल्स देखो ज्यादा ब्लू कलर का सेल्स ही दिखाया हुआ है एंड रिमेनिंग 20 परसेंट इज कवर्ड बाय ऑल दिस ब्लड वेसल्स एंड देयर कनेक्टिविटी अब देखो ध्यान से जब लीवर को ब्लड जाता है ब्लड सप्लाई होता है तो कहां से आता है देखो हार्ट होता है हमारा हार्ट का क्या आता है आपका एवोटा जब निकलता है नीचे की तरफ जाता है वहाँ से ब्रांचेस निकलते हैं और आर्टरी डिफरेंट ऑर्गन को सप्लाई करते हैं तो वहाँ से हेपैटिक आर्टरी एक ब्रांच यहाँ पे भी जाएगा हेपैटिक आर्टरी लीवर को बाकी रहा पोर्टल वेन अब जो यहाँ पे देखा हमने इंटेस्टाइन वगैरह है ना स्टोमैक इंटेस्टाइन यहाँ से ब्लड वेसल्स भी लीवर के अंदर जाता है ये जो पोर्टल वेन है इंटेस्टाइन से लेके जाता है ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एंड दिस वेन कैरिंग लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये क्यों चाहिए आप जानते हो जो ब्लड सप्लाई टोटल है उसका वन थर्ड इज सप्लाइड बाय हेपैटिक आर्टरी हेपैटिक आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है वन थर्ड लेकिन टू थर्ड ज्यादा से ज्यादा ये हेपैटिक पोर्टल वेन जो आपके इंटेस्टाइन शुमा की यहाँ दिस ऑर्गन से लेके सप्लाई करता है क्योंकि इंटेस्टाइन से जब न्यूट्रिशन ज्यादा एब्जॉर्ब होगा तो न्यूट्रिशन रीच ब्लड आपको जाएगा सो टू थर्ड डी ऑक्सीनेटेड ब्लड वन थर्ड ऑक्सीनेटेड ब्लड इज सप्लाईड टू द लीवर तो क्या हो गया हेपैटिक आर्टरी ऑक्सीनेटेड सप्लाई किया ब्लड एंड पोर्टल वेन हेपैटिक पोर्टल वेन क्या किया डिऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई किया अब दोनों लीवर के अंदर घुसे उनके जो ब्रांचेस है देखो यहां पे यहां पे क्या देखा था हमने पोर्टल ट्राइड के अंदर ये था आपका हेपैटिक पोर्टल वेन और एक क्या था रेड वाला आपका हेपैटिक आर्टरी ये दोनों यहां पे ब्लड सप्लाई किया लीवर के अंदर अब इतने सारे ब्रांचेस है एक हमने देखा यहां पे लोब्यूल ऐसे बहुत सारे लोब्यूल्स है सभी का कॉर्नर में ये तीन तीन ब्रांचिंग लगे हुए हैं पोर्टल ट्राइड अब इसमें से देखो ब्लड ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड दोनों यहां पे सप्लाई हुआ सेंट्रल वेन जो है सेंटर में इसके तरफ ये जा रहे हैं थ्रू रेगुलर स्पेस और ब्लड वेसल यू कैन से दिस इज कॉल्ड साइनोसॉइड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको हमने क्या बोला साइनोसॉइड 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 यह देखो यहां पर साइनोसॉइड और दिखाते हैं यहां पर साइनोसॉइड यहां पर दिखाते हैं साइनोसॉइड इस तरह से साइनोसॉइड तो ब्लड क्या फ्लोर है कैसे फ्लोर है किस डिरेक्शन में जा रहा है यहां से हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक पोर्टल वेन से अंदर की तरफ सेंट्रल वेन की तरफ जा रहा है और ये सेंट्रल वेन में जब आता है फिर ब्लड कैसे जाता है ये सेंट्रल वेन से नीचे की तरफ ऐसा जाएगा और ऐसा बहुत सारा लोब का डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रल वेन्स मिलके बड़ा सा फिर वेन बनेगा जो लीवर से निकलेगा एंड दैट विल बी कॉल्ड एस हेपेटिक वेन और ये हेपेटिक वेन अल्टीमेटली वेना कावा होके हार्ट में जाएगा राइट लोब में यह सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ोगे डिटेल कनेक्शन राइट अगर इसको आप फील कर रहे हो ये लोब्यूल है एक कॉर्नर में हम लोग दिखा रहे हैं एक कॉर्नर में यह है बाइल डक्ट ये हो गया आपका हेपैटिक पोर्टल वेन यापैटिक आर्टरी अब हेपैटिक वेन और हेपायटिकपैटिक पोर्टल वेन सॉरी हेपैटिक पोर्टल वेन और हेपैटिक आर्टरी दोनों से ब्लड इस तरफ से गया यहाँ पे जो अंदर की तरफ गया यहाँ पे जो वेसल्स मिले या फिर जो स्पेस मिले उसको बोले हम लोग साइनोसॉइड सो थ्रू द साइनोसॉइड इट गोज टूवर्ड्स द सेंट्रल वेन सेंट्रल वेन से फिर नीचे आप ब्लड देखा आपने जो टूवर्ड्स हर्ट गया हुआ है राइट right? इस हेपैटिक सेल के अंदर में बाइल फॉर्मेशन होता है और बाइल जैसे ही फॉर्मेशन हुआ देखो यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखाया हुआ है और ये इस डायरेक्शन में जाता है बाहर की तरफ मतलब सेंट्रल वेन से बाहर साइंटिफिकली देखो यहाँ पे ये ग्रीन कलर का दिखाया हुआ है ये बाइल जाता है बाइल डक्ट में तो ये दोनों आप यहाँ पे उठाओ हेपेटिक सेल और इन दोनों के बीच में देख रहे हो यहाँ पे एक पतली गली जैसा चैनल एक ग्रीन कलर का दिखा हुआ है ये है हमारा बाइल कैनली अब बाइल कैनली को थोड़ा जूम करके यहाँ पे देखते हैं ये दो सेल देख रहे हो आप दो सेल का बीच में यहाँ पे जो पतली से देख रहे हो आप तो ये सेंट्रल वेन से सेंट्रल वेन से इस तरफ से मतलब नॉट एग्जैक्टली exactly सेंट्रल वेन फ्रॉम द साइड ऑफ सेंट्रल वेन यहाँ पे हेपेटोसाइट के अंदर से निकला कौन बाइल और ये आगे आगे यहाँ पे गया ऐसा जाते 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 यहाँ पे बाइल डक्ट में आके पहुंचा तो इसका कनेक्टिविटी देखना है हमें बाइल का और ब्लड का साइनसॉइड में जो जा रहा है इनका डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है देखो यहाँ पे जो हैपैटोसाइड है ये दो हेपैटोसाइड है ये एक येपैटोसाइड सपोज ये एक हेपाटोसाइड, इसके साथुप्लास्यम, इसके साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म है और इसके जो प्लाज्मा ना यहाँ पे फ्यूजन हो पे एक छेद बन गया एक हॉलो स्पेस बन गया और यही चैनल चलता गया और भी हेपैटोसाइड ऐसे होंगे और इसके बीच में ऐसा चलता जाएगा एक पतला सा चैनल दिस इज कॉल्ड कैनलिक्यूलस सिंगुलर कैनलिक्यूलस प्लोलिस कैनली क्यूली तो so, ऐसा बहुत सारे केनाली क्यूली में क्या होगा बाइल आएगा सो वॉट इज बाइल बाइल इज एल्कोलाइन फ्लूड विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द हिपैटोसाइट एंड कम्स इन टू द कैनाली क्यूली कैनाली क्यूलियस या फिर कैनाली क्यूली वो लेके ऐसा देखो ग्रीन वाले चैनल्स जो दिखा रहे हैं यहाँ पे कैनाली क्यूली ये आगे आगे बढ़ता जाएगा ये आगे बढ़ता जाएगा टूवर्स द पेरी अप टू तो द बाइल डक्ट यहाँ पे एक आपका बाइल डक्ट है है ना मोटा सा अब यहां से निकला यहां से निकला इधर से निकला ऐसा पतले पतले चैनल्स है ना कैनालिकली के लिए निकला अब जैसे जैसे आगे बढ़ता है आगे आगे बढ़ता है तो एक मोटा सा फिर थोड़ा सा ब्रोड ट्यूब बन जाएगा है ना और इसको बोलते हैं डाक्ट्स ऑफ हैरिंग डाक्ट्स ऑफ हैरिंग ये आपको देखो यहां पे ऑफ डरिंग या फिर colangeal. Colangeal इसके लिए बोलते हैं इसके जो इसकेट्स हैं इनके बीच में चल रहा है आगे आगे ये कॉलेंजोसाइट बन जाता है कॉलेंजोसाइडोसाइट का ही मॉडिफाइड सेल्स है और धीरे धीरे ये मोटा होता जाएगा और आगे जाके बाइल डक्ट में ओपन होगा साइनोसाइड के अंदर ब्लड जा रहा है और यहां पे देखो छोटे छोटे रेड कलर का मैंने सेल्स दिखा हुआ है ये है आपका क्या ये है कफर सेल देखो यहाँ पे कफर से लिखा हुआ है ये कफ़र सेल क्या करता है इट इज फैगोसाइटिक इन नेचर इट फाइट अगेंस्ट द पैथोजेंस बैक्टीरिया अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये जो साइनोसॉइड है ये साइनोसॉइड है और यहाँ पे हेपैटोसाइड है दोनों का बीच में ये हेपैटिक कॉर्ड बन गया हैपैटिक कॉर्ड बन गया हेपेटोसाइट है हेपेटोसाइट का यहाँ पे एक जो फेस है इस तरफ का मतलब साइनोसॉइड को फेस करने वाला उसमें देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा ऐसा माइक्रो प्रोजेक्शन बना हुआ है दिस इज कॉल्ड माइक्रोविल्यू राइट ये इसलिए है कि यहां से ब्लड जब जाएगा न्यूट्रिएंट्स लेके यहां से आरबीसी न्यूट्रिएंट्स सब आपका माइक्रोविल्यू में यहां पे एब्सॉर्ब हो जाएंगे तो हेपेटोसाइट के अंदर ये आने के बाद हेपेटोसाइट में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं मोर देन 300 फंक्शंस होते हैं हेपेटोसाइट में ये लीवर का सेल्स बहुत काम करता है अब देखो ये जो स्पेस है साइनोसोइड और हेपेटोसाइट का ये जो बाहर वाला मतलब आ, ये वाला स्पेस है आउटर साइड स्पेस विच इज फेसिंग टूवर्ड्स द साइनोसोइड इन दोनों का बीच में यहाँ जो स्पेस है यहाँ पे स्पेस है दिस इज कॉल्ड पेरी साइनोसॉइडल स्पेस पेरी साइनोसॉइडल स्पेस मतलब पेरी फेरी उसका बाहर वाला साइनोसॉइड का बाहर वाला और हेपेटोसाइड का बीच में ये दोनों का बीच में यहाँ पे देखो स्टार सेफ्ट कुछ सेल्स भी मिलते हैं अब इसको बोला जाता है स्टेलेट सेल स्टेलेट सेल दिज आर मॉडिफाइड एडिपोसाइड्स और विच स्टोर वाइटामिन एंड अदर फंक्शन ऑल्सो दे काजेस फाइब्रोजेनोसिस ड्यूरिंग एन इंजरी इन द लीवर आगे आगे फंक्शन में देखने वाले हैं सो स्टेलेट सेल और कफर सेल ये दोनों सेल हमने देखा कफर सेल कहाँ मिलता है साइनोसोइड के अंदर मिलता है और पेरिसाइनोसोडल स्पेस में मिलता है स्टेलेट सेल और एक स्पेस बोला जाता है देखो ये जो पोर्टल ट्रायड है है ना इसके चारों तरफ ए वाली जो स्पेस है देख रहे हो आप ये वाली स्पेस है इसको बोला जाता है स्पेस ऑफ मॉल स्पेस ऑफ मॉल या पेरी पोर्टल स्पेस क्योंकि पोर्टल का चारों तरफ है अब इस स्पेस में देखो यहाँ पे ट्रायड तो मिल गया पोर्टल ट्रायड मिल गया उसके साथ यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू का एक कवरिंग है तो ईच लोबियल इज सराउंडेड बाय दिस कनेक्टिव टिश्यू दिस दिस इज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड ग्लीसन कैप्सुल्स है ना इसको बोलते हैं ग्लेसंस कैप्स्यूल ये वाला बाइल क्या होता है इट्स ए वॉटर लिक्विड एल्कलाइन फ्लुड पी एच ई सेवन पॉइंट फाइव टू एट पॉइंट फाइव इस रेंज में रहता है हाईली एल्कलाइन ठीक है और कहाँ से सिंथेसिस होता है ये लीवर सेल से जो हैपैटोसाइड हमने देखा हैपैटोसाइड से फिर उसके जो छेद होते हैं ना जहाँ पर पतलीसी कैनल हमने देखा था वो क्या था बाइल कैनली के लिए वहाँ पर आता है बाइल और आगे डरिंग्स फिर जाके बाइल डक्ट में ओपन होता था अब बाइल का कंपोजिशन क्या है वाटर तो 97 परसेंट रहता है इट कंटेन सम एसिड्स एसिड्स बाइल कॉलिक एसिड देआर कॉल्ड एस कॉलिक एसिड या उसके और भी फॉर्म्स हैं जैसे छिनो डिऑक्सिकॉलिक एसिड डी एसिड उसके वेराइटी ऑफ कॉलिक एसिड है अगर सॉल्ट बन जाता है तो जैसे सोडियम के साथ सोडियम टोरोकोलिट सोडियम ग्लाइकोकॉलिट दिस आर टू इंपॉर्टेंट सोल्ट ये इमल्सिफ़िकेशन कैसे करते हैं डाइजेशन जब होगा मतलब डिओडनम में बाइल का फंक्शन हम लोग देखने वाले कैसे इमल्सिफिकेशन होता है फैट डाइजेशन होता है उसका एबजॉर्शन आगे आगे लिंक रहेगा एंड आई रिक्वेस्ट यू दैट इज़ वाई सिक्वेंस एक के बाद दूसरा वीडियो देखो भले ही ये लंबा वीडियो आपको लगे लेकिन इसमें आपका कॉन्सेप्ट पूरी के पूरी क्लियर होंगे आई प्रोमिस यू आपको बहुत फ़ायदा होंगे और देखो यहाँ पे बाइल का क्या क्या कम्पोजिशन देखा हमने वाटर 97 परसेंट बाइल एसिड कॉलिक एसिड डिऑक्सीकोलिक एसिड सोडियम टॉरोकॉलेट सोडियम ग्लैकोकॉलेट ये उसके साथ फैटी एसिड्स कुछ अमाउंट इन ऑर्गेनिक सॉल्ट जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह सोडियम पोटासियम कैल्शियम ये सब रहते हैं क्लोराइड है ना बाई कार्बोनेट्स अराउंड कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल ये भी रहता है पॉइंट अराउंड एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक फॉस्पोलिपिड इंपॉर्टेंट फॉस्पोलिपिड रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेसिथिन तो दिस इज़ द कम्पोजिशन ऑफ द बॉयल इट हेल्प्स इन द इमोसिफिकेशन ऑफ द फैट आगे आगे जाके डिओडेनल फिजियोलॉजी में हम लोग देखने वाले हैं कम डाउन टू सम डिजीजेस जब इम्पेयरमेंट होता है लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज होता है लीवर सिरोसिस लीवर सिरोसिस में ये सेल्स इम्पेयरमेंट होता है लोबुल्स काम नहीं करते हैं इसमें फाइब्रोजेनेसिस हो जाता है है ना जो तो स्टेलेट सेल का पढ़ा था हमने स्टेलेट सेल काम करते हैं तो ये लीवर सिरोसिस में इंपेयरमेंट होता है और फिर लीवर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ता है जब uh, कोई वायरल इन्फेक्शन होता A, B, C, D, है जैसे हेपेटाइटिस ए बी सी डी डिफरेंट वेराइटीज़ हैं है ना हेपेटाइटिस बी इज़ वेरी डेंजरस उसमें लीवर सिकुड़ जाता है फिर आदमी सुख सुख के मर जाता है और हेपेटाइटिस ए तो जानते हो जॉन्डिस नॉर्मली कराता है इसमें क्या होता है अब जब बाइल uh, का रोल रहता है बाइल में दो पिगमेंट्स रहते हैं यहाँ पे आपको दिखाना है यहाँ पे बिली रुबिन एंड बिली वर्डिन ये दो पिगमेंट्स होते हैं बाइल पिगमेंट्स इस बाइल के अंदर रहते हैं एंड दैट इज़ फॉर्म बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ आर बी सी आर बी सी जब डिस्ट्रॉय होता है तो वहाँ से ये दोनों पिगमेंट्स निकलते हैं तो येलो कलर देता है बिली रुबिन एंड बिली वर्डिन ग्रीनिस कलर देता है तो येलो इस ग्रीनिस कलर रहता है एंड ड्यूरिंग दिस इन्फ्लामेशन और हेपेटाइटिस जॉन्डिस बोलते हैं ना हम लोग को पीला कलर आँख हो जाता है स्किन हो जाता है ये बिकॉज ऑफ वॉट इनाबिलिटी ऑफ एक्स एक्सक्रेशन ऑफ दिस बिल रू बिन पिक मैट एल्कोहल कंजप्शन एंड सो मैनी थिंग्स देट इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन हो एल्कोहल कंजप्शन हो ये लीवर को डैमेज कर सकते हैं और बहुत सारे डिजेज हैं बहुत सारे सिंड्रोम्स है आगे आगे जाके पढ़ने वाले हो फ्शन के बारी है राइट right? सो so, काम क्या करता है अब जैसे इतना सारा स्ट्रक्चर देख लिया हो यहीं से तो आधा फंक्शन बन जाता है, है ना हम लोग एल्फाबेटिकली चलेंगे चलो रैंडमली उठाते हैं एम एम फॉर मेटाबोलिज्म जितने सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सो मैनी रिएक्शंस होते हैं लीवर के अंदर होता है सो इट इज़ अ साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म मतलब ऑल बायो केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड है ना ये तीनों जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है बेसिक न्यूट्रिएंट्स है इसका मेटाबॉलिज्म में करता है कार्बोहाइड्रेट में क्या करता है ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजेनोलाइसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस ये तीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वैन यू से ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजेन का फॉर्मेशन देखो हमने जैसे पढ़ा था यहाँ पे सोचो ये ग्लूकोज है एक छोटा सा मोती का दाना की तरह ऐसा बहुत सारा मिल जाता है तो क्या होता है दिस इज लाइक ग्लाइकोजेन है ना ग्लाइकोजेनेसिस मतलब जब हम लोग खाना लेते हैं ना तो कार्बोहाइड्रेट हमारा पेट से इंटेस्टाइन से डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्बन होता है ब्लड में आता है कौन सा फॉर्म में ग्लूकोज फॉर्म में राइट right? अब ये ग्लूकोज लेवल क्या रहता है 80 टू 120 ट्वेंटी मिलीग्राम रहता है ना पर 100 एम ऑफ़ ब्लड ये नॉर्मल है अगर उससे ऊपर जाता है तो डायबिटीज होता है नीचे जाता है तो हाइपोग्लैसमिया बोलते हैं हम लोग है ना तो जब पैंक्रियास पढ़ेंगे वहाँ पे ग्लूकागन इंसुलिन का रोल एंड ग्लाइकोजेनेसिस किस तरह से ग्लाइकोजेनोलाइसिस किस तरह से ये सब कंट्रोल होते हैं सो ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है जब ज्यादा ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज क्या करेगा बॉडी ये लीवर क्या करता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है सो so ब्लड में वही एटी टू वन ट्वेंटी मेंटेन होता है और एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाता है तभी मीठा खाते हैं तो मोटे हो जाते हैं बोलते हैं ना ग्लाइकोजन में स्टोर होता है राइट right? ग्लाइकोजेनोलाइसिस जब ग्लूकोज लेवल ब्लड में कम होने लगता है तो ब्रेक डाउन करता है और ग्लूकोज मतलब ग्लाइकोजन अगर ब्रेक होगा तो ग्लूकोज निकलेगा और ब्लड में जाएगा तो लेवल ब्लड का लेवल 80 टू 120 के अंदर मेंटेन हो जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस जब हम लोग बहुत दिन तक खाते नहीं हैं या फिर ब्लड में ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है बॉडी में भी कम रहता है तो फिर क्या होता है जो प्रोटीन्स एंड फैट्स रहते हैं बॉडी के अंदर उसको ब्रेक करके फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट कराते हैं जब आप एम पढ़ोगे बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे इसके डिटेल्स बहुत सारे पढ़ने वाले हो आगे नेक्स्ट चलते हैं हिमोपॉइसिस एक मेजर फंक्शन एज फॉर हिमोफॉइसिस जब बेबी रहता है फीटस रहता है उसमें उसका लीवर ही ब्लड बनाता है नॉर्मली एडल्ट में क्या बनाता है बोन मेरो के अंदर हमारा हमारा जो ब्लड सेल्स बनते हैं है ना जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ोगे तो वहाँ पे डिटेल पढ़ने वाले हो तो पॉइसिस मतलब जनरेशन फॉर्मेशन ऑफ हीम मतलब आपका आर बी सी डब्ल्यू बी सी एंड थ्रम्बोसाइड्स से बनता है लीवर बनाता है फीटस में बच्चे का जो फीटस रहता है ना नेक्स्ट एस फॉर सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ बाइल ये तो बाइल हमने अभी देखा बाइल बनाता है बाइल सिक्रेस्ट करता है और बाइल जाके आगे फैट इमल्सिफिकेशन में काम करता है एस फॉर स्टोरेज it synthesizes vitamin a and store also along with deka vitamins, vitamin B, uh, b12, iron, copper, zinc and so many minerals, protein, fats, yes, yeah, storage, liver is a site of storage of many minerals and vitamins. t for transamination or deamination, amino group change the nh3 group is very toxic for the blood. so it is changed into urea and finally this urea goes to the kidney and thereby it is excreted outside. Hena? तो डी फॉर डि डिटॉक्सीफिकेशन जब कोई टॉक्सिन ड्रग्स या केमिकल्स हम लोग का बॉडी में हार्मफुल पॉइजनस केमिकल्स जाता है तो वहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन ये करता है कौन लीवर एंड दे प्यूरीफाई द ब्लड एंड एक्सक्रेट ऑल दिस सो दे कंटेन योर साइटोक्रोम पी फोर फिफ्टी एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मी रेडिकलम दिस आर द साइट्स फॉर दिस रिएक्शन बिलिरुबिन बिलिडिन ड्रग्स टॉक्सिन स्टेरॉयड्स ये सब जो रहते हैं इसको एक्सक्रेट कराता है मेटाबोलाइज करके प्लाज्मा प्रोटीन अभी हिमाटोलॉजिकल फंक्शंस में जो हमारा ब्लड प्लाज्मा में रहता है एल्बोमिन ग्लोबिलिन फाइबिनोजेन ब्लड क्लेटिंग फैक्टर्स ये सब प्रोटीन भी लेवर से ही बनता है लिम्फ फॉर्मेशन भी होता है ए फॉर एब्जॉर्बसन एबजॉर्ब्स ऑन वाइटामिन डी कॉलेक एल्सीफेरल एंड रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूरो हॉर्मस नॉर एडिन एडिनोलिन और बाकी हॉर्मोन्स का भी ये क्या करता है रिसाइकिलिंग करता है एस्क्रेशन रिमूवल ऑफ दिस ड्रग टीन इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग्स एंड सो मैनी हारमोन एंड अदर स्टेरॉयड्स ये सब एक्सक्रेशन में निकालता है हेपेरिन एंटीकोगलेंट हमारा ब्लड ब्लड वेसल्स के अंदर में क्लॉट नहीं होता है जब कोई इंजरी आता है तो क्लॉट होता है लेकिन बॉडी के अंदर क्लॉट नहीं होता क्योंकि हेपेरिन एंटीकोगलेंट है अब इसका सिंथेसिस भी यही लेवर करता है जब हमारा बॉडी का हीट जनरेशन चाहिए विंटर में और जब भी कोल्ड कंडीशन में तो हीट जनरेशन भी ये कराता है ये दोनों जो हमने देखा था, bile pigment, है ना? ये सब और एक रैस मैकेनिज्म जिसमें रेनिंग ये एक्सटरी सिस्टम में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोडियम रीअबेस्टन वाटर रीअबेस्टन करके फाइनली क्या करता है किडनी में ऑस्मो रेगुलेशन यानी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर को मेंटेन करता है तो यहाँ पे जो एनजियोटेंसिनोजेन है ये एनजियो लीवर ही बनाता है सो मेनी फंक्शंस आते हैं यार इतने सारे फंक्शंस है वी कैन लिस्ट आउट सो मेनी फंक्शंस बट इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस है मैंने आपके साथ अभी शेयर किया वैसे तो बहुत क्वेश्चन बनेंगे लीवर का इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन मैंने यहाँ उठाया है ऐसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर कौन सा होगा साइनिसपैटिक क्लासिकल लोब्यूल एंड हेपैटिक लोब्यूल्स लोब सॉरी एंड ऑल ऑफ दिस आंसर क्या होगा हेपैटिक क्लासिकल लोब्यूल ये क्लासिकल क्या है जैसे हमने देखा था लीवर लीवर के अंदर में लोब था दो राइट एंड लेफ्ट एंड क्वाड्रेट क्वाड्रेट चार लोब था उसके अंदर छोटे छोटे पीसेस हमने देखा था हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था वो क्या था हेपैटिक लोब्यूल और इसको बोलते थे क्लासिकल क्लासिकल हेपैटिक लोब्यूल ये वाला जब आगे आगे एम पढ़ोगे मैंने यहाँ पर टच नहीं किया ये सब पढ़ने वाले हो और ये दो हेपैटिक ऐसा क्लासिकल लोब्यूल तीन चार पाँच ऐसे लगे हुए हैं बहुत सारे इनके बीच में ये सेंट्रल जो वेन है दो का सेंट्रल वेन मतलब दो एडजसेंट हेपैटिक लोब्यूल का सेंट्रल वेन का बीच में यहाँ पर अगर ऐसा करेंगे तो इसको बोलते हैं एसिनर लोबियल एसिनर लोबियल यहाँ पे ट्रायड रहता है पोर्टल ट्रायड इसको कनेक्ट करके आप जब पढ़ोगे तो और आगे जाओगे क्योंकि जब ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड अंदर जाता है तो वहाँ पे जोन वन जोन टू जोन थ्री बहुत सारे बनते हैं उसमें ऑक्सीजन जहाँ पे ज़्यादा होता है जोन वन बाहर की तरफ और अंदर की तरफ आपका जोन टू देन जोन थ्री ऐसा रहता है उसका बहुत सारे रहते हैं और एक यहाँ पे सेंट्रल वेन रहता है जो तीनों का मतलब तीन एडजेसेंट हेपेटिक लोब्यूल का ऐसा देखेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग ये ट्राइंगर शेप जो देखा है हमने पोर्टल लोबियल तो ये क्लासिकल लोब्यूल है हमारा ठीक है एंड इट इज़ सराउंडेड बाय व्हाट ग्लिसन कैप्सूल हमने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग जो रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट सेल इज़ इम्यूनोजेनिक प्रेजेंट इन साइनोसाइड इट्स करेक्ट साइनोसाइड में होता है साइनोसाइड कहाँ था इसके अंदर में जो इरेगुलर ब्लड वेसल्स और उसमें ही हमारा कफर सेल था इट इज इम्यूनोजेनिक क्योंकि इम्यूनिटी देता है इट फाइट अगेंस्ट वॉट पैथोजेंस फॉरन पैथोजेंस इट्स इट इज फेगोसाइटिक इन नेचर राइट दैन लीवर इज द साइड ऑफ मेटोपोलिजिम एंड मेटोलॉजिकल फंक्शन हमने देखा था ये इट्स करेक्ट ग्लिसन कैप्सुलज सराउंडिंग योर क्लासिकल लोबियर इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू फाइन ऑल ऑफ दिस सो आंसर इज ऑल ऑफ दिस राइट बच्चों अब एक टिप्स देना चाहता हूँ अगर सुनोगे तो फायदा जरूर होंगे जब भी आप कुछ पढ़ते हो और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो फिर स्ट्रेंथ बढ़ता है, है ना लेकिन आप ना जब पढ़ते हो तो उसके सारे के सारे कनेक्टिविटी लो और वहीं पे क्वेश्चन फ्रेम करना चालू करो बिंग ए एक्सपर्ट यू फील योर सेल्फ जैसे अभी कोई भी उठाया यहाँ पे हेपेटिक्लोब्युल्स हैपेटिक्लोब्स या फिर हेपेटोसाइड्स ग्लिसन कैप्सूल साइनोसोइड्स सो मैनी थिंग्स कफर सेल्स टेलर सेल अब एक चीज को जैसा पढ़ते हो वहाँ पर ही क्वेश्चन बनाओ वैन वॉट वेयर हाउ वाई डिफरेंट एंगल्स में जैसे इस तरह से आप क्वेश्चन बनाते जाओगे तो एक एक पैराग्राफ एक सेंटेंस फिर एक एक पेजेस फिर टोटल एंटायर बुक आपके फिर पकड़ में आने लगेंगे करके देखो जरूर फायदे होंगे एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आई एल कम अप विद पेन क्रियर्स एंड अदर स्टफ्स विद द नेक्स्ट वीडियोस एंड इवन कमेंट मी वेर एवर यू वॉन्ट वट एवर यू वॉन्ट समटाइम्स इट्स गोइंग लिन बट इट विल बूस्ट योर फंडामेंटल्स एंड इट्स वेरी वेरी नेसेसरी बिकॉज आई एम ट्राइंग टू गिव यू द Complete visual impact, which will create a permanent memory, strong memory inside your brain. So, no need to mug up again and again. Right? So, meet you soon. Jai Jagannath.